हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबुक को डिलीट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर को ओपन करके कंपनी मेन्यू में एंटर होना होगा। हम यहाँ ऑलरेडी कंपनी मेन्यू में हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलाय में डेबुक को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर मास्टर डेबुक एड एडिट पर एंटर करेंगे। डेबुक नेम यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है और आपको जिस डेबुक को डिलीट करना है उस डेबुक का नाम आपको यहाँ पे टाइप करके सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे सेल्स इनवॉइस जीएसटी की डेबुक को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सेल्स इनवॉइस जीएसटी को। उसके बाद आपको यहाँ पे टैब की को प्रेस कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिलीट की को प्रेस कर देना है। डिलीट यहाँ पे अगर आप श्योर हो कि आपको इस डेबुक को डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे यस ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस कर देनी है। आपकी डेबुक डिलीट हो जाएगी अगर उस डेबुक में कोई भी ट्रांजैक्शंस ना हो तो। अगर आपकी डेबुक में ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको पहले सभी ट्रांजैक्शंस को डिलीट करना होगा, उसके बाद ही आप डेबुक को डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डेबुक को डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।